राजकुमार हिरानी की मच अवेटेड फिल्म संजू कल पर्दे पर दर्शकों के सामने आने वाली है। इससे पहले फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसके बाद बॉलीवुड के दिग्गजों ने इस फिल्म को एपिक बताया। क्रिटिक्स की माने तो ये फिल्म साल 2018 की सबसे बड़ी ओपनर साबित होगी, लेकिन रिलीज के कुछ घंटे पहले ही इस फिल्म को एक तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस फिल्म से एक बहुत ही जरूरी सीन काटने का आदेश दे दिया है। दरअसल फिल्म के ट्रेलर में एक सीन दिखाया गया था जिसमें संजय दत्त जेल में बंद है, तभी रात के समय टॉयलेट ओवरफ्लो होने लगता है। तब संजय जेल का दरवाजा पीटकर उन्हें बाहर निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। CBFC ने इस सीन को काटने का आदेश देते हुए कहा कि फिल्म में हीरो की असहाय स्थिति को दिखाने के अलावा इस सीन के कोई और मायने नजर नहीं आ रहे हैं। एक आर्टिस्टिक पॉइंट से देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। हालांकि फिल्म के निर्माता भी इस बात से सहमत दिखे। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक एक्टिविस्ट ने भी CBFC को इस सीन के सिलसिले में खत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि इस सीन को फिल्म से हटाया जाए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे।